झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई, जिसने बीजेपी पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। जेएमएम ने, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जारी की है एक प्रेस विज्ञप्ति। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी दी नसीहत, अपने सहयोगियों के चरित्र का स्व आकलन करें अमित शाह। एक युवती को डराना, धमकाना और फिर उसकी आबरू से खेलना जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है, ये बात सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही है। बाबूलाल मरांडी पर कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए हैं, ये बात भी कहा है सुप्रियो भट्टाचार्य ने। बाकायदा एक चिट्ठी जारी की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दरअसल बेटियों को गलत निगाह से देखने जैसा है। बार बार बीजेपी कहती ये बात, लेकिन जिस तरीके से एक युवती धमकी देने का आरोप लगाती है दो बड़े नेताओं पर बीजेपी की, तो सोचना होगा बीजेपी को, केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्र सरकार से साजिश करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग भी चिट्ठी में की गई है। तो बता दें आपको कि एक बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें जेएमएम ने बाकायदा एक खत जारी किया है और इसमें बीजेपी के नेताओं को नसीहत दी गई है और साथ ही साथ कहा गया केंद्रीय नेतृत्व से कि आप स्व आकलन करें अपने नेताओं का। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे देते हैं, लेकिन एक बेटी को आप डराने धमकाने से पीछे नहीं हटते। हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आपने चिट्ठी जारी की है, अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से आप एग्रेशन के साथ बीजेपी के तमाम जवाबों को देना जानते हैं, बीजेपी के सवालों का। और ये भी साफ आपने कहा है कि हमने कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, और सच बात है कि ये हमने देखा भी है। तो अब आगे की रणनीति क्या और किस तरीके की होगी, इस चिट्ठी का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये एग्रेशन नहीं है, ये हम लोगों ने एक उनको एक लेसन दिया है जी, कि आपको हम कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के सेंगर और मुजफ्फरपुर का गर्ल्स हॉस्टल का कांड जैसे बहुत सारी घटनाएं, तो हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते थे जी। और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि ठीक है, आप विपक्ष में है, आप सकारात्मक आलोचना कीजिए हमारा। हम तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ बहस करने को तैयार है, कहाँ कमियां रह गई इस कोरोना के भीषण काल में। एक साल में सरकार ने जो काम किया है उसका तो तुलनात्मक अध्ययन होना ही चाहिए। बिल्कुल। और उसका तो हम लोग रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे ही 29 को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमसे सकारात्मक बहस करे, लेकिन इस तरह से 2013 का वो भी एक महिला को नाम लेकर और पूरा एक कहानी करने का काम किए थे बाबूलाल जी, जिस तरह से कोई फिल्म खान मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। इस युवती ने क्या आरोप लगाया, बकायदा वीडियो जारी करते हुए। दादा, आप भी सुन रहे होंगे इसे, और सुनिए। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। ने इस युवती ने साफ कहा है, नाम ले लिया है और आपने भी चिट्ठी जारी कर दी। इस युवती ने कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग भी कर दी है। क्या झारखंड की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल की जा सकती कि सुरक्षा इस लड़की को मिले? नहीं, देखिए, मैंने शनिवार को ही कहा था जब बाबूलाल जी ने एक फिल्मी पटकथा पढ़ी थी दुमका में जी, कि ताज लैंड होटल कौन सा है मुंबई का, फिर उसका किस प्रकार गुजरात में एक्सीडेंट होता है, किस प्रकार मामला कोई होता है और उस पर एक
कॉग्निजेंस ले लेना नेशनल वुमेन्स कमीशन का, हाथरस में तो नेशनल वुमेन्स कमीशन ने कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं बिल्कुल, लेकिन 2013 के मामले पर एक झूठा कहानी गढ़ने का जो काम किए थे हमने, उसी दिन कहा था कि लाज लज्जा भी रहनी चाहिए राजनीति में, एकदम लोकलाज की हर सीमा को त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, आज आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जनादेश आपको मिला, शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए थी इस मामले पे, आपको पत्याग कर देना चाहिए था, भाजपा आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती नेता बने हुए। एक निशिकांत दुबे जी है, न जाने उनका तो, उनका हम लोग व्यक्तिगत लांछन लगाते नहीं है, अन्यथा उन पर यदि बोलना शुरू करें जी बिल्कुल तो समाज संसार हो जाएगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि समाज संसार होगा, निशिकांत दुबे जी संसार नहीं होंगे, समाज संसार हो जाएगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। अच्छा सुप्रियो दा, जैसे इस आरोप को सामने लाने के बाद से ये आपने चिट्ठी लिखी, युति ने भी वीडियो जारी करके आरोप लगा दिया है, क्या अब जाहिर सी बात है उस पक्ष से भी कुछ ना कुछ कहा जाएगा, कुछ ना कुछ कहा जाएगा उस पक्ष की तरफ से, तो क्या इस मामले में जांच की बात हो सकती है, आगे बढ़ सकती बात? झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उन्होंने हमारे साथ बताया कि किस तरीके से व्यक्तिगत आरोप जो है वो राजनीति में नहीं लगने चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करते हैं, तकनीकी खामियों की वजह से, नेटवर्क के इश्यू की वजह से कहीं ना कहीं आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी और हम उनकी आवाज नहीं सुना पा रहे थे। सुप्रियो दा एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सुविधा, निश्चित तौर पर उस पक्ष की तरफ से भी कुछ ना कुछ कहा जाएगा कि ये आरोप है, ये ऐसा आरोप है, क्या इस मामले में जांच की बात भी सामने आ सकती है या भविष्य में जेएमएम जांच की मांग कर सकता है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी भी इस आरोप का जवाब देगी। नहीं नहीं ठीक है ना, इसकी तो जांच हो जानी चाहिए, हम कहां बोल रहे जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और ऐसे गंदे मानसिकता वाले लोगों को चिन्हित करके तो दंडित करना ही चाहिए, बिल्कुल, इसमें कहां गोमत है। अब बाबूलाल जी इस तरह से यदि कुत्सा करेंगे, निशिकांत दुबे जी इस तरह से कुत्सा करेंगे, एक तो वो यहाँ के वोटर भी नहीं झारखंड के, उसके बाद भी चलो ठीक है, उन्होंने उनको संवैधानिक अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि बन गए, लेकिन बनने का ये मतलब नहीं है कि आप तांडव कीजिएगा। आज आपके केंद्र सरकार में सरकार है तो कोई तांडव मचाने के लिए नहीं है जी, बिल्कुल, सरकार सभी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और दोनों का अपना अस्तित्व है, और दोनों अपने आप में संवैधानिक रूप से सक्षम है हर तरह से जांच करने को, हर तरह की कार्य करने को, इसलिए कोई यदि आंख दिखा के बोलेगा शासन चलाएंगे तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? बीजेपी भी क्योंकि चुप तो बैठेगी नहीं, इसके बाद उनके तरफ से फिर कोई ना कोई आरोप आएगा, तो क्या ऐसे ही आने वाले दिनों में हम बयान और पलटवार उसका सुनते रहेंगे? देखिए बेबुनियाद आरोप पे अब सख्त कार्रवाई होगी, ये आप निश्चित जान के रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप तो एक बहुत बड़ी बात सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अब बेबुनियाद जो भी आरोप लगाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, मानहानि का मामला चलेगा, एक बड़ी बात साफ कह दी, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है बाबूलाल मरांडी को, निशिकांत दुबे को, और कहा कि यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आप बेवजह का आरोप हमारे नेताओं पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे सरकार पर ना लगाएं, और अगर तथ्य है भी और अगर वो झूठे साबित हो जाते हैं आने वाले दिनों में तो हम कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं चुकेंगे, कहीं ना कहीं मान हानि का मुकदमा भी हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कहा साफ तौर पर कि आप राजनीति करें, बयान आप दें, सरकार पर पलटवार करें, सरकार की कमियों को उजागर करें, लेकिन निजी आप ना हो, आपके निजी हमले बिल्कुल भी जायज नहीं है इस पूरे मामले को लेकर देखें तो, और कहीं ना कहीं इसीलिए बाकायदा यहां पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जेएमएम की तरफ से की गई है, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये जारी किया है, और उन्होंने बताया भी फोन पर हमारे साथ जुड़े भी, और कहा कि बीजेपी के पास भी बहुत, जो जिस तरीके से जब वो आरोप लगा रही है तो हमारे पास भी आरोप बहुत सारे हैं,
लेकिन हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में जो राजनीति है उसमें इस तरह के बयानों की कोई गुंजाइश हो, इन बयानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निजी जो बातें होती हैं वो निजी रहनी चाहिए। निजी बातों को सार्वजनिक करने से हर तरफ के लोग जो परेशान होंगे, यहाँ तक कि उन्होंने साफ कहा कि हमारे बारे में बहुत सारी बातें जो की जा रही है, अगर हमने उनके तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ के बीजेपी के नेताओं के बारे में कहना शुरू कर दिया तो समाज भी शर्मसार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इशारा निशिकांत दुबे पर था, गोड्डा सांसद पर और बाबूलाल मरांडी पर, साथ ही बाबूलाल मरांडी के सहयोगियों पर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। बाकायदा विज्ञप्ति जारी की गई यहाँ पर जेएमएम की तरफ से और कहा गया कि इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राजनीति आप करें, आप लड़ाई लड़े, आप विरोध, आप विपक्ष में है, आप जनता की आवाज उठाएं, आप सरकार का विरोध करें, लेकिन निजी तौर पे हमलावर आप ना हो, क्योंकि अगर आप हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी उस पर पलटवार किया जाएगा। साथ केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य जी जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात रख ली यहां पर है। हम कोशिश करें कि दूसरे पक्ष से भी कोई बात हो जाए, वो भी अपना पक्ष रख दे, बेहतर होगा, क्योंकि मीडिया किसी एक पक्ष का हिस्सा नहीं दिखाना चाहता। हमने कोशिश की है यहां पर, हमने एक पक्ष तो सामने रख दिया, दूसरे पक्ष से भी लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि हम उनके पक्ष को भी आपके सामने रख पाएं। और निजी भारत हमेशा से एक ईमानदार और एक पारदर्शी तरीके से पत्रकारिता को आगे लेकर बढ़ा है और शानदार सफर हमने तय किया है।